दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 साल की बच्ची 12 घंटे के बाद जब उसे दफनाने को लेकर जा रहे थे तो वो फिर से कैसे जिंदा हो गई। कहते हैं जिंदगी और मौत उस रब के हाथों में है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। इस लाइन को सच करने वाली एक घटना मेक्सिको में सामने आई है, जहां अंतिम संस्कार के दौरान 3 साल की बच्ची फिर से जिंदा हो गई। मेक्सिको की रहने वाली 3 साल की बच्ची के साथ खुदा ने गजब खेल खेला। दरअसल 3 साल की कैमिलिया रोक्साना के पेट में इन्फेक्शन हो गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। 12 घंटे बाद जब बच्ची को ताबूत में डाला जा रहा था, उस वक्त वो फिर से जिंदा हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। केमिला की माँ मेरी जेन मेंडोजा ने बताया कि उनकी 3 साल की बच्ची को उल्टी हो रही थी, पेट में दर्द और बुखार था। वो बच्ची को विलाडी रोमास में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए थे। बच्ची की स्थिति को देखकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उन्हें सामुदायिक अस्पताल ले जाने के लिए कहा। सामुदायिक अस्पताल में बच्ची का डिहाइड्रेशन और बुखार का इलाज कर दिया गया। इसके बाद बच्ची को घर ले जाने के लिए कह दिया। बच्ची की हालत दोबारा बिगड़ने पर उसे वापस अस्पताल ले जाया गया। जब वो उसे दोबारा अस्पताल ले गए तो इलाज के कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मां ने बताया कि वो उसे आईवी ड्रिप के लिए लेकर आए थे, लेकिन ऑक्सीजन मिलने में टाइम लग गया। इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे मेरी बच्ची को दूर कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि बच्ची नहीं रही। 17 अगस्त को केमिला रोक्साना को मृत घोषित कर दिया। 12 घंटे बाद जब उसको ले जाने की तैयारी हो रही थी, बच्ची की मां ने ताबूत के कांच के ऊपर भाप जैसा जमा देखा। इसकी जानकारी उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को दी, लेकिन किसी ने उनका यकीन नहीं किया और लोग बोले कि वो सदमे की वजह से ऐसा बोल रही है। ताबूत को खोलने से मना कर दिया। इसके बाद मेरी की सास यानी कि बच्ची की दादी ने देखा कि बच्ची की पुतलियां हिल रही है। आखिरकार बच्ची अंदर रोने लगी, आवाज देने लगी। तब ताबूत खोला गया, बच्ची जिंदा हो गई थी दोस्तों। जिसके बाद परिवार वाले उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बच्ची दोबारा इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। डॉक्टरों ने उसे फिर से मृत घोषित कर दिया। एक पल की खुशी फिर मातम में बदल गई। बच्ची की मां का कहना है कि अगर उसे वक्त पर इलाज मिल गया होता तो केमिला उनके पास होती। जनरल स्टेटी अटॉर्नी जॉन्स लुइस रुइस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है, बच्ची के शव का परीक्षण किया जा रहा है।